तो मित्रों, ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। ये करीब 12 घंटे से ऊपर हो गया है। अभी तक ये 95% प्रोसीज में दिखा रहा है, और ये कहीं पे भी, मतलब यदि आप इसको देखना भी चाहेंगे तो ये आपको वीडियो दिखाई नहीं देगा। यही समस्या हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ऐसी समस्या क्यों आ रही है और इस समस्या से निजात पाने के लिए। देखिए, ये वीडियो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा अभी। और यदि हम इस वीडियो का लिंक भी ले शेयर करना चाहें, इन्फो सेटिंग में जाएं। वैसे हमने इसकी पोस्ट भी बनाई थी, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पोस्ट में भी है, ये हमने इसको अपलोड भी किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, इस टाइप से यदि आप इस वीडियो को लेंगे तो ये मैसेज आपको दिखाई देगा, योर ब्राउजर डज नॉट करेंटली रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द वीडियो फॉर्मेट अवेलेबल, क्लिक हेयर टू विजिट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है ना। तो ये मैसेज आपको दिया था, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या देता है कि ये देता है YouTube HTML वीडियो, HTML5 वीडियो प्लेयर के बारे में आपको ये दिखाता है कि इसमें आप ये, तो इस तरीके का ये मैसेज आपको, मतलब ये चीज़ आपको करना है कि आपका ब्राउज़र या तो अपडेट नहीं है, तो आपको ब्राउज़र को कृपया, यदि आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये ब्राउज़र दिया हुआ है, फायरफॉक्स कर रहे हैं, ओपेरा वगैरह, तो ये सब दिया हुआ है। आप इस तरीके का ये मैसेज, मतलब सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आइए इसी को देखते हैं कि इसको, और दूसरा साधन क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एक तो इसमें आ रहे हैं मीडिया सोर्स एक्सटेंशन भी दिया हुआ है कि आप अपने ब्राउज़र में जो एक्सटेंशंस के थ्रू आप इसको कैसे अपडेट करते हैं। ये हम अपने एक्सटेंशन में आए हैं, यहाँ से आपको आना है मोर टूल में जाना है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में आप जब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है गेट मोर एक्सटेंशन में। और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, YouTube HTML5 वीडियो एक्सटेंशन, जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक दिया हुआ है डिसेबल YouTube HTML5 प्लेयर, इसको अपने ब्राउज़र में ऐड कर दीजिए, ऐड एक्सटेंशन। ये देखिए हमारा ब्राउजर में आइए, अब देखते हैं कि हमारे ब्राउजर में ये इंस्टॉल हुआ या नहीं। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर ये हमारे ब्राउजर में ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये एनेबल अभी दिखा रहे हैं, देखिए हमारे इसमें वीडियो ये चलता है या नहीं चलता है। है ना, अभी भी ये समस्या दिखा रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें करना क्या है। मतलब कुल मिला के आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है, ब्राउज़र का ही प्रॉब्लम रहता है ये। और दूसरा है, यहाँ गूगल क्रोम यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम पे जाइए, क्रोम को डाउनलोड करके उसको अपडेट पे कर दीजिए। तो मित्रों, आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को चलाने के लिए हमें सबसे पहले जाके अपनी सेटिंग को बदलना होगा। टूल्स में जाइए, एक्सटेंशन में हमने जो इसको डिसेबल यूट्यूब HTML5 प्लेयर का जो किया था, इसको हमें इनेबल करना होगा, मतलब इसको अनचेक करना होगा। अब देखते हैं कि हमारा वीडियो चलता है या नहीं। पहले तो हम इसको रीलोड कर लें। अभी लोड कर रहा है, जी हाँ, हमारा वीडियो चलने लगा है।
आप देख रहे हैं कि ये वीडियो, तो मित्रों आप लोगों ने देखा कि एक छोटे से इस एक्सटेंशन की वजह से अगर इसको आपने डिसेबल कर दिया तो ये चालू होना शुरू हो गया, वीडियो चलने लगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप लोग इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, और ये अगर ऐसी समस्या आपके ही ब्राउज़र में कभी आती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जाइए अपने इस एक्सटेंशन में, यदि डिसेबल यूट्यूब HTML5 प्लेयर का एक एक्सटेंशन नहीं है तो एक्सटेंशन से आप इसको ऐड करिए अपने ब्राउज़र में, और उसके बाद इसको फिर चेक या अनचेक करके देखिए, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सबसे पहले तो आप अपना ब्राउज़र अपडेट रखें, ये सबसे मेन चीज़ है। तो लगभग 50% का 90% समस्या ब्राउज़र अपडेट से ही सॉल्व हो जाती है। तो मित्रों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, शब्बाकर, साथ में अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टाटा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करते समय बगल में घंटी के निशान बेल आइकन को भी टिक कर दिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर पहुंच जाए। तो नमस्कार, धन्यवाद, मैं आशीष शुक्ला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।